नमस्कार दोस्तों, मैं विराग धुलिया स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन कथाकार पर। आज हम बात करेंगे एक किताब के बारे में, पर उसके शीर्षक पे आने से पहले आइए बात करते हैं उसके लेखक और उसके अंग्रेजी अनुवादक के बारे में। इस किताब के लेखक हैं हिंदी सिनेमा जगत के सुप्रसिद्ध पत्रकार और जाने माने फिल्म समीक्षक श्री अजीत राय जी, जिन्हें कांस फिल्म फेस्टिवल की तरफ से पिंक प्लस येलो डॉट कार्ड प्राप्त है। ये एक बहुत ही उच्च श्रेणी का कार्ड है जो पूरे विश्व में सिर्फ 500 पत्रकारों को मिला है। वहीं साथ ही साथ उन्हें कांस फिल्म फेस्टिवल ने हिंदी भाषा का सर्वश्रेष्ठ समीक्षक भी माना है। इस किताब के अंग्रेजी अनुवादक श्री मुर्तुजा अली खान भी पिछले 15 वर्षों से भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के जाने माने पत्रकार और फिल्म समीक्षक रहे हैं। एक सिनेमा प्रेमी होने के नाते मेरे लिए तो लाजमी था कि मैं ये किताब पढ़ूं, पर ये किताब मुझे इतना प्रेरित करेगी इसका अंदाजा नहीं था मुझे। ये किताब है हिंदुजाज एंड बॉलीवुड, भारतीय सिनेमा के विशालकाय इतिहास के छोटे से एक छोटा सा पन्ना ये किताब प्रकाश डालती है उन तथ्यों पर जो मेरे ख्याल से हर सिनेमा प्रेमी को पता होने चाहिए। आज हमारे पास OTT प्लेटफॉर्म है, वीडियो गेम्स हैं, फोन है, इंटरनेट है, मनोरंजन के कई साधन हैं, लेकिन आज से 50-60 वर्ष पहले ऐसा नहीं था। फिल्में एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करती थी मनोरंजन का, क्योंकि उस वक्त भारत में टीवी भी नहीं थे, सिर्फ रेडियो थे। साथ ही साथ फिल्में हमारी संस्कृति और परंपरा की धरोहर हैं, हमारे समाज में जो विविधता है उसका एक दार्शनिक प्रतीक भी है। और आप जानते हैं शायद कि फिल्में बनाना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है उनका वितरण, यानी कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन। इस मुश्किल काम को आसान बना दिया हिंदुजा ब्रदर्स ने। इसमें बहुत सारा आर्थिक जोखिम है जो उन्होंने उठाया, और 1955 और 85 के बीच में लगभग 1200 हिंदी फिल्में, जैसे कि राज कपूर की आग, संगम, देवानंद की गाइड, इसको इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लेके गए। ईरान, टर्की, इजिप्ट, इंग्लैंड, रशिया, ऐसी देशों में ये फिल्में दिखाई, जहां पे ना सिर्फ वहां पे रहने वाले भारतीय बल्कि वहां के लोग भी इन फिल्मों को देखने लगे और उसका आनंद लेने लगे। इसकी वजह से भारतीय संस्कृति फैली और भारत में विदेशी मुद्रा भी आई। ये कामयाब कोशिश हो पाई क्योंकि हिंदुजा ब्रदर्स के मुखिया दिवंगत श्री परमानंद हिंदुजा चाहते थे कि भारतीय संस्कृति फैले, और इसके लिए उन्होंने ये कदम उठाया। उनके इस कामयाब कोशिश की वजह से भारतीय सिनेमा को एक प्रतिष्ठित स्थान मिला अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में। आज हमारी फिल्में विदेशों में अच्छी खासी कमाई कर रही हैं, हमारे कलाकारों को बहुत सारी ख्याति भी मिल रही है। तो ऐसे में हिंदुजा ब्रदर्स का ये काम सामने आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने आज तक ना तो अपने काम का प्रदर्शन किया और ना ही नाम का पीछा किया। तो ये थी हिंदुजा ब्रदर्स की कहानी, और उन्होंने कौन सी फिल्में दिखाई, कौन सी फिल्में बाहर दिखाई जिसकी वजह से ये फिल्में चली, ये सब आप जानने के लिए तो आप किताब पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं इसको पढ़ के इतना ज्यादा प्रेरित हो गया तो मुझे लगा कि ये बात मुझे आपसे साझा करनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया है इंडियन कथाकार की इस कहानी में। हमारे साथ बने रहिए आने वाले अच्छे वक्त की उम्मीद में। नमस्कार।